आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम्स, इस प्रोग्राम का सेंस बाद में डिस्कस करें, जस्ट इनिशियली इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दें। फर्स्ट वन एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन, सेकेंड वन एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर वेरिएबल आई एंड सम आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, फर्स्ट वन फॉर लूप के केस में इनिशियलाइजेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं और इनिशियलाइजेशन सेशन कैसा इस केस में एम्प्टी, प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन भी कैसा ऑल्सो एम्प्टी, ओनली प्रोवाइड किया हुआ है कंडीशनल सेशन। लेकिन कंडीशनल सेशन के अंदर टू एक्सप्रेशन हैं, आई इक्वल्स टू जीरो कॉमा आई लेस देन फाइव, कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल कंडीशन और मल्टीपल एक्सप्रेशन अप्लाई करना पॉसिबल था, ऑलरेडी डिस्कस किया था। लेकिन इस केस में सारे के सारे एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। देन फाइनली टू थर्ड केस में डायरेक्ट मीन से इनिशियलाइजेशन सेशन एम्प्टी लिए इसको मार्क करने की नीड नहीं, डायरेक्टली टेस्ट करेंगे कंडीशन, सीक्वेंस असाइन करेंगे जैसे सेकंड और थर्ड सीक्वेंस, थर्ड सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन क्या है इस केस में आई इक्वल्स टू जीरो कॉमा आई लेस देन फाइव। फर्स्ट एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे जस्ट प्रायोरिटी पार्ट के अंदर, प्रायोरिटी किसका ज़्यादा है कॉमा की कंपनी असाइनमेंट और लेस देन आई इक्वल्स टू जीरो, ऑलरेडी फर्स्ट केस में सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग आई का वैल्यू क्या था जीरो, फिर से आई इक्वल्स टू जीरो एग्जीक्यूट अगेन आई में इनिशियलाइज कर रहा है जीरो, देन सेकेंड प्लस स्पेस पर रिप्लेस क्या कराएंगे वैल्यू ऑफ आई, मीन्स आई में जीरो साइन होने के जस्ट बाद सेमी स्पेस पर रिप्लेस क्या करेंगे करेंट वैल्यू ऑफ आई विच इज जीरो कॉमा आई लेस देन फाइव, आई लेस देन फाइव में आई का वैल्यू जीरो फाइंड हो रहा है जीरो लेस देन फाइव, कंडीशन इज ट्रू, ट्रू मीन्स वन, ऑलरेडी डिस्कस किया था कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल कंडीशंस और एक्सप्रेशंस पास करना पॉसिबल, लेकिन बॉडी किसके रिस्पेक्ट में ट्रीट करेंगे रिस्पेक्ट टू लास्ट रिजल्ट, लास्ट रिजल्ट क्या वन वन मीन्स टू, कंट्रोल सेंड करें इनसाइड बॉडी थ्री एंड फोर्थ आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा वन, देन प्रिंट एप डिस्प्ले वैल्यू ऑफ आई मीन्स आई का वैल्यू वन है इसलिए प्रिंट भी क्या है उससे ऑल्सो वन, देन फाइव बाद अगेन कंट्रोल सेंड करें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन विच इज एम्प्टी, देन अगेन कंडीशन टेस्टिंग, नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्ट करें, कंडीशन एवरी टाइम टेस्ट कैसे होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फिर से आई में कैसा आन होगा जीरो, इस करेंट वैल्यू क्या है वन, नेक्स्ट टाइम अगेन आई इज इनिशियलाइज्ड बाय जीरो, देन कंडीशन टेस्टिंग जीरो लेस देन फाइव कंडीशन इज ट्रू मीन्स वन, फर्स्ट केस में आई का वैल्यू क्या रिप्लेस हो जाए जीरो, टेस्ट केस के रिस्पेक्ट में इटरेशन केस के रिस्पेक्ट में लास्ट, लास्ट केस में अगेन कंडीशन टू देन फिर से आई प्लस प्लस हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अगेन वन, देन सिक्स का सेवन्थ केस देन एट अगेन प्रिंट एफ अगेन क्या फाउंड हो रहा वन डिस्प्ले क्या होगा वन, इस टाइप से इस केस में एवरी टाइम फिर से कंडीशन टेस्ट हुआ तो आई में एवरी टाइम कैसा नहीं हुआ जीरो देन जीरो लेस देन फाइव, मीन से कंडीशन कभी फॉल्स होने की चांसेस ही नहीं है, एवरी टाइम इंक्रीमेंट होगा मीन्स वन टू जाए डिस्प्ले क्या एवरी टाइम वन, फाइनली इस केस में रिजल्ट क्या है इनफाइनाइट टाइम, दिस इज इनफाइनाइट लूप, कभी भी कंडीशन फॉल्स होने के चांसेस ही नहीं है।